नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? अवाज आवे छे मारो? अधिकारी मित्रों, मारो अवाज आवे तमने बधाने? चलो फरी एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय माताजी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो कसकाई मौज मोजीला गुजराती हो, स्वागत है आप सब अधिकारी मित्रों नु अनएकेडमी नी लेट्स क्रेक गुजरात एग्जाम ना प्लेटफॉर्म पर। केम छो बधा? मजामा? चलो वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो। अधिकारी मित्रों, आपणे आज जोवाना छे पंचायती राज। तमने बधा अधिकारी मित्रों ने खबर है कि आपणी एक स्पेशल लेक्चर में टेस्ट चालू है। जेपन अधिकारी मित्रों हजी आ टेस्ट जॉइन नहीं करी है, फटाफट आ टेस्ट ने जॉइन करी लेजो। विद्यार्थी मित्रों, अत्यारे जे टेस्ट चाली रही है एमां आजे आपणे 7मा नंबरनी टेस्ट जोई, एटले 11मुं 12मुं चेप्टर, आवती काले 13मुं अने 14मा चेप्टरनी टेस्ट चालवानी छे। त्यारथी आगळ वधीए अधिकारी मित्रों, फरी एकवार अमारी प्रोफाइल छे, मारे मारा विषे कंई कहेवानी जरूर नथी, तमे तमने ओळखो छो। विद्यार्थी मित्रों, त्यारबाद आगळ वधीए तो मारे खाली तमने यूट्यूबनुं आपणुं जे सेशन छे डिस्कस करवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप टाइम है बराबर है 10:30 थी ऑलमोस्ट 11 सुधी आप भणीए छे। विद्यार्थी मित्रों, आज अने काले एटले कि सोमवार अने मंगळवार बे दिवस आप पंचायती राज भणवाना छे। बुधवारे विद्यार्थी मित्रों मोटर व्हीकल एक्ट है, गुरु शुक्र अने शनि 3 दिवस तमारा पर यूट्यूब में 10:30 वागे सरप्राइज है। बी रेडी फॉर देट, अने सरप्राइज वाले तैयार रहो। विद्यार्थी मित्रों, त्यारथी आगळ वधीए तो अनएकेडमी पर तमे मारी प्रोफाइल ने फॉलो करी शको छो, अथवा तो तमे PKUS कोडनो उपयोग करीने प्लस सब्सक्रिप्शन लई शको छो। अनएकेडमी इंडियानुं लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म छे, ज्यां तमने डेली फ्री लाइव क्लासेस मळे छे, तमने लाइव टेस्ट एंड क्विज़ीस मळे छे, स्ट्रक्चर कोर्स मळे छे, अनलिमिटेड एक्सेस मळे छे। विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमने एक सब्जेक्टना घणा बधा फेकल्टी अने एक फेकल्टीना घणा बधा सब्जेक्ट पण मळे छे। अधिकारी मित्रों, त्यारथी आगळ वधीए तो तमे अनएकेडमीनुं प्लस सब्सक्रिप्शन लई शको छो। तमे अनएकेडमीनुं प्लस सब्सक्रिप्शन लेवा माटे तो के तमे अनएकेडमीनी एप्लिकेशन डाउनलोड करी हशे, ना करीए तो करी लेजो। अनएकेडमी लर्निंग एप, एमां तमारे गोलमां मेनेज गोलमां जईने, गोलमां तो के स्टेट PSC मां जईने GPSC पसंद करवानुं रहेशे। एटले GPSC सब्सक्रिप्शनना 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना वगैरे प्लान अवेलेबल छे। तमे मने पूछो कि गुजरातना कोईपण एज्युकेटर ने पूछो, तमाम एज कहे छे लेवुं होय तो 12 महीना 24 महीना प्लान लेवाय। 12 महीना चार्ज है 7,000 रुपया, 24 महीना चार्ज है 8,400 रुपया। एमां पण तमारा बधा पासे बाबतनो दिव्य कोड छे। शुं छे भाई? PKUS कोडनो उपयोग करो। PKUS कोडनो उपयोग करवाथी 12 महीनानो कोर्स तमने 6,300 में, 24 महीनानो कोर्स तमने 7,560 में पड़शे, मात्र ने मात्र PKUS कोडनो उपयोग करवाथी। आ सिवाय तमे अनएकेडमी पर मारी प्रोफाइल ने फॉलो करी शको छो। मने फॉलो करो त्यारे तमने फ्री विडियोनी माहिती मळशे अने डेडिकेशन पण आपी शको छो। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एक विषय भणी रह्या छे जेनुं नाम छे पंचायती राज। आई थिंक तमाम अधिकारी मित्रों आवी गया हशे। फटाफट विडियोने लाइक करो अने शेयर कर दो। फटाफट विडियोने लाइक कर दो अने शेयर कर दो। एक बार बधाने खाली मैसेज कर दो एटले बधा आवी जाए। त्यां सुधी तमे पण विडियो ने लाइक करो अने शेयर करो बधा। चलो तो विद्यार्थी मित्रों, पंचायती राज में लास्ट में आपणे क्या सुधी जोयुं हतुं तो तमने बधाने खबर छे। पंचायती राज में आपणे छेल्ले तो के घणी बधी वस्तु जोई हती, एमां खास करीने पंचायती राज में आपणे अहींया सुधी जोयेलुं। बधाने समितिओ याद छे? हाँ के ना? બધાના સમિતિઓના વર્ષ યાદ છે બધાને? હા કે ના? યાદ છે ને? ચલો હવે હું પૂછું, બધાના આન્સર આપો મને. ચલો, બળવંતરાય સમિતિ કયા વર્ષની છે? બળવંતરાય સમિતિ કયા વર્ષની છે? ફટાફટ કોમેન્ટમાં આન્સર આપતા રહેજો. બળવંતરાય સમિતિ કયા વર્ષની છે? यस, 1957 वर्ष। गुड आफ्टरनून संजय भाई, गुड इवनिंग संजय भाई। चलो, बळवंतराय समिति पछी भारत की बीजी समिति जोई थी अशोक मेहता समिति। बोलो, अशोक मेहता समिति क्या वर्षनी छे? भाई बळवंतराय समिति तमे कीधुं 1957। चलो, अशोक मेहता समिति क्या वर्षनी छे? अशोक मेहता समिति क्या वर्षनी छे? आंसर आपो बता। भूली गया, 72 ना आवे भाई। दीपाली मैम सुधारो, अशोक मेहता समिति आवे 1977 नी आवे। चलो, हनुमंतराय समिति क्या वर्षनी छे? हनुमंतराय समिति क्या वर्षनी छे? विडियो लाइक एंड शेयर करजो। बोलो, हनुमंतराय समिति क्या वर्षनी छे? चलो, हनुमंतराय समिति क्या वर्षनी छे? 1984 ना वर्षनी हनुमंतराय समिति छे। चलो, जीवी के राव समिति क्या वर्षनी छे? फटाफट आंसर आपो। जीवी के राव समिति क्या वर्षनी छे? जीवी के राव समिति क्या वर्षनी छे? जीवी के राव समिति, तो याद रखो विद्यार्थी मित्रों, 1985। चलो, LM सिंघी समिति क्या वर्षनी छे? LM सिंघी समिति क्या वर्षनी छे? बधी भारतनी पहली बळवंतराय मेहता समिति 1957, भारतनी बीजी अशोक मेहता समिति 1977, भारतनी तीजी हनुमंतराय समिति 1984, भारतनी पांचमी जीवी के राव समिति 1985, भारतनी छठी माफ करजो, भारतनी पांचमी LM सिंघी समिति क्या वर्षनी? यस, LM सिंघी समिति आवशे 1986। चलो, छेल्ली भारतनी छठी समिति पीके ठुंगन समिति क्या वर्षनी छे? भारतनी छठी समिति पीके ठुंगन समिति क्या वर्षनी छे? यस विद्यार्थी मित्रों, याद रखो, भारत की पहली तो बळवंतराय मेहता समिति 1957, भारत की बीजी अशोक मेहता समिति 1977, भारत की तीजी हनुमंतराय समिति 1984, त्यारबाद भारत की पांचमी जीवी के राव समिति 1985, चौथी आवशे पांचमी LM सिंघी समिति 1986 और छेल्ले पीके सुंगन 1988। एटले 57, 77, 74, 84, 85, 88, 57, 77, 84, 85, 88। चलो, बात करिए गुजरात की। विद्यार्थी मित्रों, आपणे बात करिए गुजरात की। चलो, गुजरात पहली जीणाभाई दर्जी समिति क्या वर्षनी छे? विद्यार्थी मित्रों, बात करिए गुजरात की पहली जीणाभाई दर्जी समिति क्या वर्षनी छे? गुजरात की पहली जीणाभाई दर्जी समिति क्या वर्षनी छे? यस, 1972 नी। चलो, गुजरात की बीजी रिखवदास शाह समिति क्या वर्षनी छे? गुजरात की बीजी रिखवदास शाह समिति क्या वर्षनी छे? गुजरात की बीजी रिखवदास शाह समिति क्या वर्षनी छे? यस विद्यार्थी मित्रों, 1978 ना वर्षनी। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे याद राखवानुं छे के तमने प्रश्न भारत गुजरातनी पूछे तो 1972 नी जीणाभाई दर्जी समिति अने 1978 नी रिखवदास शाह समिति अने भारतनी पूछे 1957, बळवंतराय मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1984, हनुमंतराय समिति 1985, जीवी के राव समिति 1986, LM सिंघी समिति 1988, तो के पी के टुंगन समिति। एटले 8 समिति तमारा माटे अगत्यनी छे। ओके, चलो त्याथी आगळ वधी अधिकारी मित्रों तो तमने प्रश्न पूछाय के त्रण स्तरनुं पंचायती राजनुं माळखुं कई समिति द्वारा आपवामां आव्युं छे। कई समिति आवशे भाई त्रण स्तरनुं पंचायती राजनुं माळखुं एटले के ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत अने जिल्ला पंचायत आ त्रण स्तरनुं जे पंचायती राजनुं माळखुं छे, त्रण स्तरनुं पंचायती राजनुं माळखुं छे ए कई समिति द्वारा आपवामां आव्युं। तो आपो आंसर त्रण स्तरनुं जे पंचायती राजनुं माळखुं छे जे त्रिस्तरीय पंचायती राजनुं माळखुं छे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत ने जिला पंचायत तो बळवंतराय मेहता समिति 1957 द्वारा आपवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आगळ वधीए तो एक एक अगत्यनी बाबतो ए जोई लीए आपणे। चलो बळवंतराय मेहता समितिनो स्वीकार कई परिषदे कर्यो हतो? बळवंतराय मेहता समितिनी भलामणनो स्वीकार कई परिषदे कर्यो हतो? बळवंतराय मेहता समितिनी भलामणनो स्वीकार कई परिषदे कर्यो हतो? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा आनी भलामणनो स्वीकार करवामां आव्यो हतो। चलो त्याथी आगळ वधीए अने कयुं एवुं प्रथम कयुं राज्य हतुं जेने पंचायती राजनी एक्सेप्ट करी हती? प्रथमे क्यूँ राज्य हतुं जेने पंचायती राज ने एक्सेप्ट कर्युं हतुं? क्यूँ राज्य, क्यो जिल्लो, क्यूँ गाम ने कोना द्वारा? फटाफट आंसर आपो। राज्य पूछे तो क्यूँ आवे? सर्वप्रथम पंचायती राज नो अमल क्या थयो? तो राज्य पूछे तो क्यूँ आवे? तो राज्य आवे राजस्थान। राज्य क्यूँ आवशे वाला? तो राज्य आवशे राजस्थान। चलो हवे जिल्लो पूछे तो क्यूँ आवे? राज्य आवे राजस्थान। जिल्लो पूछे तो क्यूँ आवे? नागौर जिल्लो। जिल्लो पूछे तो क्यूँ आवे? नागौर जिल्लो। गाम पूछे तो के बगदड़ी गाम। तारीख पूछे तो के 2 ऑक्टोबर 1959 2 ऑक्टोबर 1959 ना रोज राजस्थान नामनु राज्य, नागौर नामनो जिल्लो अने बगदड़ी नामना गाममां जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राजनो अमल थयो हतो। ओके त्यारबाद वात करीए अशोक मेहता समिति। चलो भाई पंचायती राज ने बंधारणीय दरजो आपो। आ वात सर्वप्रथम कई समितिए कही दीधी? पंचायती राज ने बंधारणीय दरजो आपवानी वात सर्वप्रथम कई समितिए कही दीधी? पंचायती राज ने बंधारणीय दरजो आपवानी वात सर्वप्रथम कई समितिए कही दीधी? आपो आंसर। यस, पंचायती राज ने बंधारणीय दरजो आपवानी वात तो अशोक मेहता समितिए कही दीधी। त्यारबाद नियमित चूंटणीनी वात पण कोणे कही दीधी? अशोक मेहता समिति कही थी। चलो आगे पंचायती राज में द्विस्तरीय पंचायती राज जो त्रण स्तर वालू पंचायती राज पूछे तो बळवंतराय मेहता समिति 1957 आवे, पण बे स्तर वालू पंचायती राज पूछाय तो अशोक मेहता समिति 1970 आवशे। चलो द्विस्तरीय पंचायती राजनुं माळखुं तो अशोक मेहता आवशे। चलो त्यारबाद आगळ वधीए तो अनुसूचित जाति अने जाति माटे एक सीटनी अनामतनी वात करी। त्यारबाद आगळ वधीए तो अशोक मेहतानी भलामणमां बीजी आगळ वात करीए के ज्यारे पंचायतोने सुपरसीड थाय तो 6 महीनानी अंदर नवेसरथी चूंटणी करी। आवी जोगवाई पण कोनी हती भाई? पंचायत सुपरसीड थाय तो 6 महीनामां नवेसरथी चूंटणी करी। आ वात पण कोनी हती? अशोक मेहतानी हती। पंचायतोमां न्याय पंचायतनुं निर्माण करवुं, आ वात पण कोनी हती? पंचायतोमां न्याय पंचायतनुं निर्माण करवुं, ए पण वात एनी हती। अगत्यनो क्वेश्चन सामाजिक ऑडिटनी वात कई समिति द्वारा करवामां आवी हती? तो सामाजिक ऑडिटनी वात तो अशोक मेहता समिति द्वारा करवामां आवी हती के लोकोना जीवन धोरण में केटलो सुधारो थाय छे, आर्थिक रीते अने सामाजिक रीते केटला सुधार थाय छे ए जोवा माटे सामाजिक ऑडिटनी वात करी हती अशोक मेहता समितिए। त्यारबाद आगळ वधीए तो अशोक मेहता समितिए एवुं कीधुं हतुं के ज्यारे पंचायतने बळतफड़ करवामां आवे, रद्द करवामां आवे तो 6 महीनामां नवी चूंटणी करवी पडशे। अने 3 राज्यो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल अने आंध्र प्रदेश छे तो के बळवंतराय मेहताने एक्सेप्ट कर्युं हतुं। चलो आगळ वात करीए गुजरात में पंचायती राजनो अमल कई तारीख दीधी हतो? चलो गुजरात में पंचायती राज नो अमल कई तारीख थी थयो तो? विद्यार्थी मित्रों गुजरात में पंचायती राज नो अमल कई तारीख थी थयो तो? गुजरात में पंचायती राज नो अमल कई तारीख थी थयो तो? 1 एप्रिल 1963। शुरुआत में गुजरात में पंचायती राज नो धारो एटले के पंचायती राज अधिनियम कया वर्षनो हतो भाई? याद राखजो। सौथी पहेला आपणो पंचायती राजनो अधिनियम 1961 हतो, एना अंतर्गत आपणे 1 एप्रिल 1963 ना दिवसथी पंचायती राजने आपणे अमल कर्यो छे। क्लियर थाय छे? अत्यारे पंचायती राजनो 1993 नो धारणो अस्तित्वमां छे। पहेला कयो हतो तो के 1961 नो हतो। हवे वात करीए जीणाभाई दर्जी समितिनी वात करीए, बराबर छे? तो त्रणेय स्तरे पंचायतोनी सीधी चूंटणी करवानी वात कई समितिए करी हती? तमने बधाने खबर है जीणाभाई दर्जी समिति गुजरात की पहली समिति है, 1972 में बनी है। पंचायतना त्रण स्तरे सीधी चूंटणी करवानी वात कई समितिए कही दी थी, तो याद रखो जीराभाई दर्जी समिति 1972 में महिलाओं माटे ओछामां ओछी 2 बैठक अनामत, तो महिलाओं माटे बैठकनी अनामतनी वात कोने कही थी, तो याद रखो जीराभाई दर्जी समितिए कही थी 1972 में। अनुसूचित जाति माटे पण अनामत करी थी। सरपंच ने सीधा मतदारों द्वारा चूंटवामां आवशे, आ अगत्यनुं छे भाई। कई समिति द्वारा सरपंच ने सीधा मतदारों द्वारा चूंटवानी वात करी थी। कई समिति द्वारा सरपंच ने सीधा मतदार द्वारा उम्मीदवार चूंटवानी वात करी। विद्यार्थी मित्रों आम जोवा जाओ तो तालुका लेवल पर तालुका प्रमुख ने उपप्रमुख चूंटायेला सभ्योमांथी परोक्ष चूंटणी करवामां आवे। जिल्ला लेवल पर जिल्ला प्रमुख ने उपप्रमुख चूंटायेला सभ्योथी एनी चूंटणी करवामां आवे। पण याद राखजो ग्राम पंचायत में लोको 2 वोट आपता होय छे। ग्राम पंचायत में लोकोने 2 वोट आपवाना अधिकार मळे छे। एक वोट सरपंच ने आपी शके छे अने बीजो वोट तो के पोताना विस्तारना उमेदवारने, पोताना विस्तारना उम्मेदवारने ग्राम पंचायतनी चूंटणीमां लोको 2 वोट आपे छे। एक तो जेटला पण उमेदवारो ऊभा छे एमां एक सरपंच ने अने एक चूंटायेला पोताना विस्तारमां जे ऊभो छे ने तो सीधा मतदार द्वारा चूंटणी करी। त्यारबाद आगळ वात करीए तो भाई पंचायतना त्रणे त्रण स्तरे सामाजिक न्याय समिति फरजियात बनावी। आ भलामण वेरी मोस्ट आईएमपी आपने याद राखवानुं। बोलो पंचायतना त्रणे त्रण स्तर पर सामाजिक न्याय समिति फरजियात बनाववानी वात कोना द्वारा करवामां आवी छे? पंचायतना त्रणे त्रण स्तर पर सामाजिक न्याय समिति फरजियात बनाववानी वात कोना कोना द्वारा करवामां आवी, कई समिति द्वारा करवामां आवी छे? तो याद रखजो मारा वाला जे जीणाभाई दर्जी समिति छे एना द्वारा पंचायतना त्रणे त्रण स्तर पर जे फरजियात बनाववानी वात अहींया करवामां आवी छे। ओके चलो ग्राम पंचायतना आवकने करवेरा पर વધુ ભાર, ગ્રામ સભા પર વધુ ભાર નોર્મલ છે। ગ્રામ પંચાયત સિવાય તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત પક્ષીય જોડે ચૂંટણી કરી। બેવડા સભ્ય પદ પર નિયંત્રણ। विद्यार्थी मित्रों अहींया तमारा माटे जे जीणाभाई दर्जी समिति छे एना माटे तमारे महत्वनी जोगवाईमां એટલું યાદ રાખવાનું ત્રણે ત્રણ સ્તર ઉપર સીધી ચૂંટણી, ત્રણે ત્રણ સ્તર ઉપર સામાજિક ન્યાય સમિતિ, આ અગત્યનું છે। પંચાયતી રાજના ત્રણે ત્રણ સ્તર પર સામાજિક ન્યાય સમિતિ તો જીણાભાઈ દરજીના હાથે હતું અને બેવડા સભ્યપદ પર નિયંત્રણ। ત્યારબાદ ગુજરાતની બીજી એટલે કે રીખવદાસ શાહ સમિતિ। ગુજરાતની બીજી એટલે કયા આવશે? तो कि રીખવદાસ શાહ સમિતિ ક્લિયર થાય છે। હવે આમાં તમારે ફરીવાર યાદ રાખવાનું છે બંધારણીય દરજ્જાની વાત। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતમાં બંધારણીય પંચાયતી રાજને બંધારણમાં સ્થાન આપવાની વાત કોને કરી? તો અશોક મહેતા સમિતિ 1977 ભારતમાં। પણ ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજને બંધારણમાં સ્થાન આપવાની વાત કઈ સમિતિએ કરી? તો યાદ રાખજો તો કે રીખવદાસ શાહ સમિતિ 1978। હવે તમને સિમ્પલી એવો પ્રશ્ન પૂછાય कि पंचायती राज ने बंधारण में स्थान आपवानी वात सर्वप्रथम कोने करी? तो अशोक मेहता ज आवे। भारत और गुजरात नो उल्लेख ना होय, खाली सिंपली एवुं पूछाय कि पंचायती राज ने बंधारणीय दरजो आपवानी वात सर्वप्रथम कई समिति करी? अशोक मेहता ज लखवानी। अने भारत नो पूछे तो अशोक मेहता। पण तमने पर्टिक्युलरली एवो प्रश्न पूछे कि गुजरातनी कई समितिए पंचायती राज ने बंधारणीय दरजानी मांग करी? तो तमारे રીખવદાસ શાહ समिति लखवी ज पड़े। क्लियर थाय छे आ के ना? दबाणोनी वात करी। त्यारबाद आगळ वात करीए तो आयोजन और विकासना कार्यमां जिल्ला स्तरने जिल्ला परिषदने मुख्य केन्द्र होवुं जोईए। जिल्ला स्तरे योजना अने कार्यमां आयोजन माटे अलग अलग संस्था होवी जोईए अने संस्थानुं संकलन जिल्ला कलेक्टरमां करवुं। क्लियर थाय भाई। माफ करजो नवी समिति आवी गई भाई। नवी समिति हनुमंतराय समिति एटले के भारतनी तीजी समिति। चलो जिल्ला कलेक्टरना पदमां वधारो करवानी वात कई समितिए करी? बराबर आंसर आपो। जिल्ला पंचायत में जिल्ला कलेक्टर भाई वधारो करवानी बात कई समितिए करी? जिल्ला कलेक्टर वाली बात करी हनुमंतराय समितिए करी। आगळ बात करिए। चलो हवे बात करिए तो कि गरीबी ग्रामीण विकास अने गरीबी नामे नाबूदीना उद्देश्य माटे कई समिति हती? विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार आंसर आपो कि ग्रामीण विकास अने गरीबी नाबूदी माटे कई समिति हती? ग्रामीण विकास अने गरीबी नाबूदी माटे तो कई समिति आवशे? त्यारबाद गरीबी मुक्ति कार्यक्रम अने मूळिया वगरनुं घास कई समितिए कीधुं हतुं? मूळिया वगरनुं घास कई समितिए कीधुं हतुं? जिल्ला विकास कमिश्नरनी पद वात कई समितिए करी हती? अहींया तमारा त्रणे त्रण प्रश्नो वेरी मोस्ट आईएमपी छे, अगत्यना छे भाई। ग्रामीण विकास अने गरीबी निवारणना उद्देश्यथी बनेली समिति तो जीवीकेराव समिति 1985। कई समिति पंचायती राज ने मूड़िया वगरनु घास कहू तो जीवी के राव समिति 1985। कई समिति द्वारा जिला विकास कमिश्नर पदनी बात करी तो जीवी के राव समिति 1985। आ तणेतण वस्तु याद रखो, आ तणेतण माटे जीवी के राव समिति आवशे। मूड़िया वगरनु घास, जिला विकास कमिश्नर और ग्रामीण विकास ने गरीबी नाबूदी। ओके चलो त्यारबाद आगळ वधीए तो एल एम श्रृंगी समिति। आमां तमारे वधारे कई याद राखवानी जरूर नथी, संयुक्त न्याय पंचायत वाली याद राखो बराबर, बीजू कई अगत्यनुं नथी आमां। अने एल एम श्रृंगी नामनी समिति हती तमे याद राखी लो तो शुं आवशे भाई तो 1986 समिति हती। छेल्ले आवशे तो के पी के टूंगन समिति क्या वर्षनी हती? 1988 वर्षनी हती। चूंटायेला सदस्योनो कार्यकाल 5 वर्षनो राखो, आवी वात कई समितिए कही दीधी। विद्यार्थी मित्रों, पंचायत में जेटला पण चूंटायेला सभ्यो छे आ चूंटायेला सभ्योनो कार्यकाल 5 वर्षनो राखो, आवी वात कई समितिए कही दीधी। तो कि चूंटायेला सभ्योनो कार्यकाल 5 वर्ष राखवानी वात तो तमने पी के ठुंगन समितिए कही दीधी। कई समितिए? पी के ठुंगन समितिए कही दीधी। चलो 5 वर्षनो कार्यकाल कई समितिए कही दीधी। ત્યાંથી આગળ વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આમ આપણે આ સમિતિ જોઈ તમને બધાને યાદ રહી જવી જોઈએ કે બળવંતરાય મહેતા સમિતિ કયા વર્ષની આવશે? તો બળવંતરાય મહેતા સમિતિ મારા વાલા આવશે 1957। ત્યાંથી આગળ વધીએ તો બીજી આવે અશોક મહેતા સમિતિ કયા વર્ષની? 1977। ત્યાંથી આગળ વધીએ તો ભારતની ત્રીજી હનુમંતરાય સમિતિ કયા વર્ષની આવે? 1984। ત્યાંથી આગળ વધીએ તો ભારતની ચોથી સમિતિ જીવી કે રાવ સમિતિ જી આવશે। જીવી કે રાવ સમિતિ કયા વર્ષની આવશે? 1985। ત્યાંથી આગળ વધીએ એલ એમ શ્રૃંગી સમિતિ કયા વર્ષની આવશે? એલ એમ શ્રૃંગી સમિતિ આવશે 1986। ત્યાંથી આગળ વધીએ તો પી કે ઠુંગન સમિતિ કયા વર્ષની આવશે? પી કે ઠુંગન 1988। એટલે 57 77 84 85 86 88, 57 77 84 85 86 88, 57 77 84 85 86 88। અને ગુજરાતની વાત કરીએ તો પહેલી કઈ આવશે? તો આવશે રીખવ ઝીણાભાઈ દરજી સમિતિ 1972। बीजी कई आवशे? रिखवदास शाह समिति 1978। भाई पहली कई आवशे? तो जीणाभाई दर्जी समिति 1972 आवशे, बीजी आवशे रिखवदास शाह समिति 1978। तो वर्ष याद रखो, गुजरात माटे 1972 अने 1978। ज्यारे भारत माटे कई कोई आवशे? तो भारत माटे याद रखो 1957 बळवंतराय मेहता समिति, 1977 अशोक मेहता समिति, 1984 हनुमंतराय समिति, 1985 तो के जीवी के राव समिति, 1986 एल एम श्रृंगी समिति, 1988 पी के ठुंगन समिति। एक्जेक्ट बधी क्लियर थी गई वर्ष साथे बधु क्लियर थी गयु। वाला हवे बात करिए तो छेल्ली अत्यार सुधी आपणे जोयुं तो छेल्ली समिति में एल एम श्रृंगी समिति ने पी के ठुंगन हती। अने आ सिवाय अशोक मेहता समितिए सौप्रथमवार भारतमां एवुं कीधुं हतुं के पंचायती राजने बंधारणीय दरजो आपवो जोईए अने आ ज वात रिखवदास शाह समितिए गुजरातमां कीधुं हतुं। तो हवे आपणे 3 सरकार जोवानी छे के पंचायती राजने खरेखर बंधारणीय दरजो क्यारथी मळे छे, के आ जे पंचायती राज छे एना वास्तवमां खरेखर बंधारणनो दरजो क्यांथी मळे छे? तो सौथी पहेला जो तो भाई राजीव गांधी सरकार प्रयत्न। सौथी पहला पंचायती राज ने बंधारणीय दरजा माटेनो प्रयत्न कई सरकार द्वारा करवामां आव्यो छे? फटाफट आंसर आपो। सौप्रथम पंचायती राज ने बंधारणीय स्थान आपवानो प्रयत्न कई सरकार द्वारा करवामां आव्यो छे? तो याद रखो विद्यार्थी मित्रों तो के पी के ठुंगन समितिनी भलामणोना आधारे राजीव गांधी सरकारे पंचायती राजनी संस्था ने बंधारणीमां स्थान आपवानो प्रयत्न कर्यो। राजीव गांधी सरकारे 1989 जुलाई मासमां 64मुं बंधारणीय सुधारक विधेयक लोकसभामां रजू कर्युं। ए विधेयक ऑगस्ट 1989 में लोकसभामांथी बहुमतथी पसार थई गयुं, पण राज्यसभामां ए कारण आपीने विधेयक पसार थता अटकाव्युं के आ विधेयक मुजब केंद्र वधु सत्ता रहेशे, जेथी लोकशाहीनुं विकेंद्रीकरणनो सिद्धांत जोवा मळतो नथी। एटले के सौप्रथम बात करिए तो वर्ष एवी छे के जुलाई 1989 में। विद्यार्थी मित्रों क्यारे? तो जुलाई 1989 में। जुलाई 1989 में जुलाई 1989 में जुलाई 1989 में राजीव गांधी द्वारा विधेयक मूकવામાં આવે છે અને ઓગસ્ટ 1989 માં વિધેયક લોકસભામાં પસાર થઈ છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો एक मिनट विद्यार्थी मित्रों थोड़ा एक टेक्निकल इश्यू आए सोल्व कर लो। चलो विद्यार्थी मित्रों तो बात एवी हती सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार जे आपणी छेल्ली समिति जोई पीके टुंगन समिति 1988 में बने छे। तो 1988 में पीके टुंगन समिति अने छेल्ली बधी समिति अने 1977 में अशोक मेहता समिति अने त्यांथी आगळ वधो विद्यार्थी मित्रों तो 1978 में बळवंत रिखवदास शाह समिति एवुं कीधुं हतुं के पंचायती राज ने बंधारणीय स्थान आपवुं पड़शे। हवे आ पंचायती राज ने बंधारणीय स्थान आपवा माटे शुं काम जरूरियात उद्भवी हती एनुं कारण एवुं हतुं विद्यार्थी मित्रों के ज्यां सुधी पंचायती राज बंधारणनो भाग नहीं बने त्यां सुधी आ पंचायती राज ने कोई सीरियस नहीं ले। क्लियर थाय छे एनो मतलब ए छे के पंचायती राज ने समग्र देश में एक ज माळखामां लागू पाडवा माटे जरूरी हतुं के पंचायती राज ने बंधारणीय स्थान मळवुं जोईए तो ज आनी जे वास्तविकताओ छे अने आनी जे सफल पासाओ छे आपणे बेनिफिट मळशे। एटला माटे सौथी पहेला तो राजीव गांधी सरकार आवे छे। जुलाई 1989 में एक 64मो विधेयक बंधारण सुधारणानुं विधेयक छे ए क्या मूके छे तो लोकसभा में मूके छे अने लोकसभा में मूके छे अने आगळ जीए तो ऑगस्ट 1989 में तो लोकसभामांथी पसार थई जाय छे। हवे जेवुं आ लोकसभामांथी पसार थई जाय छे विद्यार्थी मित्रों ए खास याद राखजो जेवुं आ लोकसभामांथी आ विधेयकने पसार करी देवामां आवे छे तरत ज ए राज्यसभामां अटकाववामां आवे छे। राज्यसभामां एवुं कारण आपवामां आवे छे के आ जे विधेयक छे ए सत्ता एमां मोटा भागनी सत्ता केन्द्र पासे छे एटले के जो आ विधेयक लागू पड़शे तो अहींया लोकशाहीनुं विकेन्द्रीकरणनो सिद्धांत जोवा मळशे नहीं तमाम सत्ता केन्द्र पासे रही जशे। एटला माटे अहींया राजीव गांधी द्वारा एक प्रयत्न करवामां आव्यो पण एमां सफलता आपवामां आवी नहीं। हेलो हेमलभाई पण एमां सफलता एने न मळी एटले ए अहींया निष्फळ गया खबर पड़ी के नहीं। हवे त्यारबाद बीजी सरकार आवे छे तो एना परम मित्र राजीव गांधीना परम मित्र एटले के वीपीसी एटले के नवेम्बर 1988 जो आपणे आगळ जोयुं आपणे आगळ कया वर्ष जोयुं जो तमे ध्यानथी जुओ तो ऑगस्ट जुलाई ऑगस्ट तो के जुलाई अने ऑगस्ट 1989 नी वात हती ज अने एवामां राजीव गांधीनी सरकार पण नीकळी जाय छे आपणे बधाने खबर छे। पछी वीपी सरकार एटले के नवेम्बर 1989 मां वीपीसी सरकार पंचायती राजने मजबूत बनाववानी जाहेरात करी। जून 1990 में प्रयत्न स्वरूप वीपीसीए 2 दिवस में बधा राज्यों मुख्यमंत्री सम्मेलन कर्यु अने सप्टेम्बर 1990 में फरी एक वार आ पंचायती राजनो खरडो लोकसभा मूक्यो परंतु ए समय सरकारनु पतन थई गयुं अने खरडो अटवाई गयो। एटले विद्यार्थी मित्रों शुं के ज्यारे आ वीपीसीनी सरकार हती विद्यार्थी मित्रों आ वीपीसी सरकारे प्रयत्न एवं कर्यो ओना जेवुं कर्युं के जान लईने आपणे दरवाजा सुधी आवी गया अने मुहूर्तियो हतो बराबर ए जान जोड़ीने आवी गयो अने कन्या मंडप पाटी भागी गई एना जेवुं कामकाज थई गयुं, एना जेवुं कामकाज थई गयुं। विद्यार्थी मित्रों एना जेवुं कामकाज थई गयुं, क्लियर थई गयुं। एटले के बधो प्रयत्न कर्यो। नवंबर 1989 मां नक्की कर्युं। जून 1990 में बधा राज्योनी मुख्यमंत्री पर बैठको बोलाई अने आ बधा राज्योनी मुख्यमंत्रीनी जे बैठको बोलाई एमां फरी एकवार सप्टेम्बर 1990 में खरडो लोकसभामां मूक्यो, पण जेवो आ खरडो लोकसभामां गमे त्यां मुकाय एनी पहेला तो आ वीपी सिंहनी सरकार ज पड़ी भांगी। क्लियर थाय छे बधा अधिकारी मित्रोने? हाँ के ना? चलो त्यांथी आपणे आगळ वधी अधिकारी मित्रों। हवे आवे तीजी सरकार, तो तीजी सरकार आवे पीवी नरसिंहरावनी सरकार, जेने खरेखर सफलता मळे छे। पहली सरकार कई जोई? राजीव गांधी सरकार। क्या वर्षनी हती? चलो पहली सरकार कई जोई? राजीव गांधी सरकार। क्या वर्षनी हती? तो के 1989 ना वर्ष। क्लियर थाय? तो एने शुं थाय छे भाई? लोकसभामां पसार थई जाय छे, राज्यसभामां पसार नथी थतो। एना पछी आवे छे वीपीसीनी सरकार, एनी तो कन्या ज भागी जाय छे एटले के एने तो भाई सरकार ज पड़ी जाय छे। त्यारबाद आगळ वधीए तो पीवी नरसिंहरावनी सरकार। आ सरकारे फरी एकवार पंचायती राजने बंधारणमां स्थान आपवानो प्रयत्न कर्यो। पहला खड्डा में केटलाक विवादास्पद मुद्दाओं काढीने सुधारा करीने सप्टेम्बर 1991 में आ खड्डो लोकसभा में मूक्यो। एटले के आगळ जे बे वार आ प्रकारनी जे सरकार हती, आगळ जे बे वार आ प्रकारनी जे सरकार हती ने प्रयत्न कर्या हता, बराबर छे। ए प्रयत्नना भाग रूपे एमां जे विवादो हता जेनाथी मंजूर ना मंजूर थतुं हतुं, तो आ तमाम बाबतो हती, आ तमाम बाबतोना विवादो हवे दूर करवाना हता। क्लियर थाय छे? हवे परिणाम शुं आवे छे एनुं परिणाम शुं आवे छे विद्यार्थी मित्रों? एनुं परिणाम ए आवे छे विद्यार्थी मित्रों, एनुं परिणाम ए आवे छे के हवे नवा सुधारा करीने आ खरडो फरीथी सप्टेम्बर 1991 में लोकसभा मूकवामां आवे छे। बंने गृहोमांथी आ खरडो पसार थाय छे अने राष्ट्रपति पण आ खरडाने मंजूरी आपी दे छे अने तेना परिणामे 73मो બંધારણીય સુધારો 1992 ना वर्षमां पसार थाय छे, जेनुं अमल 24 एप्रिल 1993 ना दिवसथी समग्र भारतमां लागू थाय छे। अने एटला माटे ज आपणे 24 एप्रिल ने तो के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तरीके उजवीए छे। बोलो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तरीके क्या दिवस ने उजववामां आवे छे विद्यार्थी मित्रों? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तरीके क्या दिवस ने उजववामां आवे? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तरीके क्या दिवस ने उजववामां आवे छे? बोलो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तरीके यस 24 एप्रिले। क्लियर थाय छे? तो आज त्रे त्रण सरकार हती हूँ तमने शोर्ट में समझ आपी दो। जो बात करिए अहींया तो बंधारण में स्थान की बात करिए, पंचायती राज ने बंधारण में स्थान कोने मळ्युं? बोलो सौथी पहेला कई सरकारे प्रयत्न कर्यो? तो के राजीव गांधी सरकारे प्रयत्न कर्यो। क्या वर्ष में कर्यो? तो राजीव गांधी सरकारे क्या वर्ष में प्रयत्न कर्यो? बोलो राजीव गांधी सरकारे क्या वर्ष में प्रयत्न कर्यो? वीडियो ने लाइक एंड शेयर करजो। राजीव गांधी सरकारे प्रयत्न कर्यो 1989 ना वर्ष में, पण आज 64मु बिल हतुं ए लोकसभा पास थयुं पण राज्यसभा पसार न थयुं। एटले एना माटे आपणे शुं कही सकीए? तो अहींया राजीव गांधी ने असफलता मळी। त्यारबाद बीजो प्रयत्न क्या वर्ष में थयो? एना पछीना ज वर्ष में थयो। बीजो प्रयत्न क्या वर्ष में थयो? एना पछीना वर्ष में थयो, एटले के वर्ष 1990 ना वर्ष में थयो। वर्ष 1990 ना वर्ष में थयो अने हवे कोने कर्यो तो वीपीसी सरकारे आ विधेयक रजू करीने आ प्रयत्न कर्यो अने एमां पण एने शुं मळी? तो एमां पण एने असफलता मळी। केम? तो के भाई ज्यारे एनी तो कन्या ज भागी गई, आ वीपी सिंहनी कन्या भागी गई एटले शुं एने विधेयक लोकसभा मूक्यो एनी सरकार ज पड़ी गई। त्यारबाद आगळ वधीए तो तीजो प्रयत्न सफलता में तीजो प्रयत्न कया वर्ष में करवामां आव्यो? चलो तीजो प्रयत्न क्या वर्ष में करवामां आव्यो? तीजो प्रयत्न करवामां आव्यो वर्ष 1991 में, जेमां सफलता मळे छे। वीपी सिंघे 73मुं બંધારણીય સુધારક વિધેયક રજૂ કર્યું. 1992માં વિધેયક પસાર થતાં મંજૂરી મળી અને 24 એપ્રિલ 1993થી આ કાયદો અમલમાં આવ્યો. ક્લિયર થાય છે? અરે વીપી સિંઘે મારા વાલા બીજું પણ એક બિલ મૂક્યું હતું, કોઈને ખબર છે? તો કે 97મો વિધેયક પણ મૂક્યો હતો. યાદ છે બધાને? ભાઈ આ 73મો વિધેયક જે આપણે કોના માટે ઓળખીએ છીએ, તો કે આપણે ગ્રામીણ પંચાયતી રાજ, ગ્રામીણ સ્થાનિક स्वराजनी संस्था, जे ग्रामीण स्वराजनी संस्था है एना माटे क्यू बिल हतुं, तो के 73मुं बिल हतुं. आनी साथे वीपी सिंघे 74मुं पण बिल मूक्युं. ए क्यू हतुं? तो के शहरी स्थानिक स्वराजनी संस्थाओ. तो शहरी माटे जो ग्रामीण माटे पूछे तो क्यू आवे 73मुं, शहरी माटे पूछे तो 74. अने आ कई तारीखे अमल आव्युं हतुं? तो 1 जून 1993. 1 जून 1993. क्लियर थाय छे अधिकारी मित्रों? एटले हवे बन्ने कम्पेरिजन करीए, बन्नेनुं कम्पेरिजन करीए तो पंचायती राजना संस्थाओने बंधारणमां स्थान मळ्युं अने साथे कया कया विषय वस्तुना सुधारा थया ए आपणे कम्पेर करीए. चलो ग्रामीण क्षेत्रनो सुधारो ए केटलामा नंबरनो सुधारो कहेवाय? चलो ग्रामीण क्षेत्र नो सुधारो ए केटलामा नंबरनो सुधारो कहेवाय? आपो आंसर. चलो ग्रामीण क्षेत्र नो सुधारो केटलामा नंबरनो सुधारो कहेवाय? तो 73मो. अने शहरी सुधारो केटला नंबरनो सुधारो कहेवाय? फटाफट फटाफट विडियो आंसर आपवा ज मंजो भाई कॉमेंट में. वीडियो लाइक और शेयर करता रहो. चलो शहरों के नंबर सुधारो कहवाय? 74मो सुधारो 1993. चलो ग्रामीण क्षेत्र सुधारा अमल कई तारीखे थयो? ग्रामीण क्षेत्र सुधारा अमल कई तारीखे थयो? ग्रामीण क्षेत्र सुधारा अमल कई तारीखे थयो? April 24, 1993. शहरी सुधारा अमल कई तारीखे थयो? जो आ अगत्यनु छे बिन सचिवालय में आमाथी एक क्वेश्चन पूछावानी शक्यताओ रहती होय छे. चलो शहरी कई तारीख आवशे? 1 जून 1994. चलो ग्रामीण क्षेत्रनी वात बंधारणना कया भागमां करी छे? विद्यार्थी मित्रों ग्रामीण क्षेत्रनी वात बंधारणना कया भागमां करी छे? बंधारण नो भाग 9. ओके शहरी पंचायती राजवाड़ी बात बंधारण ना क्या भाग में कही? शहरी पंचायती राजवाड़ी बात बंधारण ना क्या भाग में कही? शहरी वाली बात बंधारण ना क्या भाग में कही? ओके ग्रामीण पंचायती राज अनुच्छेद केटली छे? ग्रामीण पंचायती राज अनुच्छेद केटली छे? विडियो लाइक एंड शेयर करता रहेजो. ग्रामीण पंचायती राज अनुच्छेद केटली छे? बदरी जपाड़िया तमारो कदाच साहेब पहलो लेक्चर लागे छे, डिस्प्ले में लख्यू छे तो टाइम ना बगाड़ो. कदाच तमारो पहलो लेक्चर छे बदरी साहेब. अमारी आ सिस्टम ज छे, 8 महीना थी अनएकेडमी पर भणावुं छुं साहेब. जे डिस्प्ले में लख्युं छे ने ज कॉमेंट में लखावुं छुं. एनुं कारण एवुं छे कॉमेंट में मारे लेक एंट्री ए तमारा मगज में मारे लेक एंट्री समकक्ष छे. टाइम हूँ बगाड़तो नथी अने तमने एवुं लागे तमारो टाइम बगले छे तो मैं तमने मारा लेक्चर में आवा माटे इन्विटेशन नहीं आप्युं साहेब. बधुई झपाडिया साहब तमने कहूँ छूँ ओके एटले बराबर ज चाले छे। एटले तमे डे वन थी मारा लेक्चर में ना हो तो अत्यारे जे चाले छे ने एने एन्जॉय करो, बाकी इन्विटेशन कोईने मैं नथी आवी। चलो शहरी पंचायती राज माटे कयो अनुच्छेद छे? शहरी पंचायती राज माटे कयो अनुच्छेद छे? जे रेग्युलर विद्यार्थी छे हमणा तमने आंसर आपी देशे, मारा आपवानी जरूर नथी। 243 થી 243 ग्रामीण पंचायती राज माटे अने 243 P થી 243 ZG एटले के जेड पछी ZA ZB ZC आ रीतना ZG सुधी तो शहरी माटे ओके। चलो हवे आ ग्रामीण पंचायती राज छे ने मारा वाला एमां जे विषयो छे ने ए विषयो बंधारणनी कई अनुसूचीमां छे? ग्रामीण पंचायती राज एटले के ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत ने जिला पंचायते 29 जेटला विषयो आप्या छे, एना पर आ तरणेतर पंचायते काम करवुं जोईए। आ विषयो कई अनुसूचीमां छे? आ विषयो कई अनुसूचीमां छे? अनुसूची नंबर 11 केटला विषयो छे आमां? अनुसूची नंबर 11 केटला विषयो छे आमां? यस 11 एमां विषयो केटला छे तो के 29। शहरी पंचायती राज कई अनुसूची मां छे ने एमां केटला विषयो छे? हवे शहरी पंचायत मां शुं आवे तो नगर पंचायत, नगरपालिका, त्यारबाद आवे महानगरपालिका। बोला कई अनुसूची ने केटला विषय? यस 12મી अनुसूची ना 18 विषय। ओके तो हवे मारा अधिकारी मित्रों मारे तमने क्वेश्चन फरीथी पूछवाना थाय, एवं क्वेश्चन पूछो एनी पहेला तमने आंसर आपो। फरी एक बार तमने आंसर आपो। चलो बधा अधिकारी मित्रों मने आंसर आवशे। ग्रामीण पंचायती राज कई तारीख केटलामां सुधारो? फटाफट आंसर आपवा मांडो भाई। ग्रामीण पंचायती राज बराबर छे केटलामां सुधारो? केटलामां सुधारो? 73मो सुधारो। कई तारीख? हाँ केतन भाई जवाब मिली गयो अमने एटले 24 एप्रिल 1993 ना दिवसे। ओके बंधारण नो कयो भाग भाई? 73मा नंबर नो सुधारो। कई तारीख? 24 एप्रिल 1993। बंधारण ना कया भाग में? तो बंधारण ना भाग 9 में कई अनुच्छेद? तो 243 થી 243 कई परिशिष्ट? 12મી परिशिष्ट। केटला विषय? माफ करजो 11મી परिशिष्ट केटला विषय? 29 विषय। हवे शहरनी वात करीए तो केटलामां सुधारो? 74मो सुधारो। कया वर्षे? कई तारीख? 1 जून 1900 कई तारीख आवशे? फटाफट लखता रहेजो कमेंट में तारीख कई आवशे। 1 जून 1993। बंधारण नो कयो भाग? तो बंधारण नो भाग 9 ए कई अनुच्छेद? तो 243 P થી 243 ZG। 74मो सुधारो? यस 74मो सुधारो। कई तारीख? 1 जून 1993। 1 जून 1993। बंधारण नो कयो भाग? तो भाग 9 243 P થી 243 D। 12મી अनुसूची 18 विषय। एकदम टू दी पॉइंट तमारू कर्यु। यस 1 जून 1994 आवशे। माफ करजो 1 जून 1994 आवशे। विद्यार्थी मित्रों 1 जून 1994 आवशे। विद्यार्थी मित्रों करेक्शन करी लेजो मारी साथे। 1 जून 1994 आवशे। 93 ની 94 आवशे। 1 जून 1994 आवशे। पूजा मेम तमे राइट छो। पूजा मेम सोमवार तमे साचा छो। 94 आवशे। ओके हवे विद्यार्थी मित्रों जो कि तमे हमणा जोयुं कि आपणी पंचायती राजनी अनुसूची नंबर 12 में 29 विषयों है। तो ग्राम पंचायत और तालुका पंचायतों क्या 29 विषयों पर काम करवा, तो जो सौथी पहलू कोशी विस्तरण सहित करवा, जमीन सुधारणा एकत्रीकरण भूमि संरक्षण, गौण सिंचाई पानी व्यवस्था जल स्त्राव विकास, पशुपालन डेरी विकास, मलगा बटक उच्चर केंद्र, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनीकरण फार्म वनीकरण, गुणवन पेदाशो, खाद्य प्रक्रिया में सहित लघु उद्योगों, खादी ग्राम और कुटीर उद्योगों, ग्राम गृह निर्माण, पीवानु स्वच्छ पानी, बर्तन और घासचारो, रस्ता गरनाळा पुलों और नौकाघाट वगैरह, वीजळी विस्तरण वीजळी विस्तरण सहित गाम विद्युतीकरण, बिन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, गरीबी नाबूदी कार्यक्रम, पछी प्राथमिक अने देखाय छे बधाने નથી દેખાતું। अरे बाप रे बाप, હવે क्लियर, હવે દેખાણો મારા વાલા। કૃષિ વિસ્તરણ, જમીન સુધારણા, एकीकरण, भूमि संरक्षण, गौण सिंचाई पानी व्यवस्था, जलस्त्राव विकास, पशुपालन डेयरी उद्योग, मलगा बटका उछेर, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनीकरण फार्म वर्गीकरण, त्यारबाद गौण पेदाश। हवे क्लियर, चलो। खाद्य प्रक्रिया सहित लघु उद्योगों, खादी ग्राम कुटीर उद्योगों, ग्राम गृह विकास, त्यारबाद पीवानु स्वच्छ पानी व्यवस्था, बर्तन और घासचारो, रस्ता गरनाळा पुल और नौकाघाट वगैरह, वीजळी विस्तरण सहित गाम विद्युतीकरण, बिन परंपरागत ऊर्जा साधनों। त्यारबाद आगे बढ़ीए, गरीबी नाबूदी कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शाला सहित शिक्षण, टेक्निकल शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, पौध और अनौपचारिक शिक्षण, ग्रंथालय, सांस्कृतिक प्रवृत्तिओ, बजारों और मेला, स्वस्थ आरोग्य, प्राथमिक आरोग्य केन्द्र, हवामान, परिवार कल्याण, महिलाओं ने बाल विकास, विकलांग मध्यबुद्धि सहित समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति नबळा वर्गनुं कल्याण, जाहेर विस्तरण व्यवस्था और सामुदायिक मिलकतों निभावी और जाळवणी। विद्यार्थी मित्रों, आम तमारा जेटला पण विषयों छे, विद्यार्थी मित्रों आ तमारा केटला विषयों छे, तो आ तमारा 29 जेटला विषयों आमां आपवामां आव्या छे, एटले के 29 जेटला विषयों आपवामां आव्या छे। हवे जेना क्लियर ना देखातो ने एनी पाछळनुं एक ज कारण होय, तमे तमारा सेटिंग में जाओ यूट्यूब में अने एमां क्वॉलिटी में जाओ, क्वॉलिटी में 720 ए करी दो, तमे तमारा विडियोनी क्वॉलिटी में जाओ અને ક્વોલિટીમાં તમે તમારા વિડીયોની જે ગ્રાફિક સાઇઝ છે ક્વોલિટી 720 MB કરી દો, તમને આ બધાય દેખાશે, ક્લિયર થાય। તો આ શું છે ભાઈ, આ 29 વિષયો છે, આ 29 વિષયો પર ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતે કામ કરવાના રહેશે, ક્લિયર થાય છે। भाई क्लियरिटी तमे चेन्ज करी दो, एकदम क्लियर देखाशे तमने। तमे तमारा क्लियर तमे तमारा विडियोमां 360 480 कर्युं हशे ने એટલે हाँ 360 અને 480 करो तो पण बराबर देखाशे। हाँ संदीप भाई, तो 720 नो करो तमे, मारा वाला 480 करो, 480 में क्लियर देखाशे। 12 हमारा वागवाना है भाई, डेटा बचाई शू करो, तमार पती जाए। चलो क्लियर थी गया विषयों, चलो विषयों क्लियर थी गया बधाने। તમે જોઈ લો તમારા મોબાઈલ પ્રમાણે તમને કેમાં ક્લિયર દેખાય. ચલો હવે વાત કરીએ કે 73મો જે બંધારણીય સુધારો છે એ બંધારણના ભાગ 9 માં 243 થી 243 ઓ જેટલી કલમો છે. કદાચ મારા ફોટા પાછળ તમને આ કલમ નહીં દેખાય અને અહીંયા મેં 243 થી 243 ઓ લખ્યું છે. ઓકે विद्यार्थी मित्रों बंधारणना क्या भाग में है भाई ग्रामीण पंचायती राज. ग्रामीण पंचायती राज बंधारणना क्या भाग में है. तो भाग 9 में अनुच्छेद नंबर 243 थी 243 वो हवे जो एमां कई कलम में शू आप्युं छे आपणे समजीए. સૌથી પહેલા આપ્યું 243 માં વ્યાખ્યા. બોલો વ્યાખ્યા તમને બંધારણની કઈ અનુચ્છેદમાં આપી છે ભાઈ. હવે આ અનુચ્છેદ બંધારણની આવી ગયો, બધી અનુચ્છેદો બંધારણની આવી. ચલો વ્યાખ્યા એટલે શું તો કે ગ્રામ સભા કોને કેવું, ગ્રામ પંચાયત કોને કેવું, તાલુકા પંચાયત કોને કેવું, जिला पंचायत कोने केवू, आ तमाम व्याख्याओ कई अनुच्छेदमां छे. बोलो व्याख्याओ कई अनुच्छेदमां छे आपो आंसर. चलो 243 में शानी वात करी छे, ग्राम सभा की बात करी छे. 243 बी में शानी वात करी छे तो पंचायतों की रचना की बात करी छे. 243 थी पंचायतों की संरचना की बात करी छे. 243 थी बैठकों में अनामत राखवानी बात करी छे. 243 ई तो कि पंचायतों की मुद्दत की बात करी छे. 243 ए सभ्य माटेनी गैरलायकता की बात करी. आ बधी अनुच्छेदों हमणा डीप में आपणे स्टेप बाय स्टेप समझवाना छे. अहींया खाली एक साथे आपणे ओवरव्यू करवानुं छे, अहींया आपणे खाली एक साथे ओवरव्यू करवानुं छे. आ बधी अनुच्छेद हूँ तमने हमणा समजावुं छुं. ओके चलो पंचायतों सत्ता जवाबदारी और अधिकारीओं की बात कई अनुच्छेद में करी छे तो अहींया जी में करी छे. ओके आ जी में करी छे. त्यारबाद आगळ वधीए. पंचायतों में कर नाखवानी सत्ता अने फंड बाबतेनी वात कई अनुच्छेद तो 243 एच में करी छे. राज्यना नाणां कयो अनुच्छेद 243 आई में कर्युं छे. पंचायतोना हिसाबनुं ओडिश 243 जे में कर्युं छे. पंचायतोनी चूंटणी 243 के में कर्युं छे. संघ राज्य क्षेत्रने लागू करवानी जोगवाई 243 एल में कर्युं छे. अमुक विस्तारों में लागू नहीं करवा बाबत एटले के जे नागालेंड मिजोरम मणिपुर मेघालय आदिवासीना विस्तारो छे एना माटेनी वात करी 243 एम में करी छे. त्यारबाद विद्यमान कायदाओं ने पंचायतों ने चालू रहेवा बाबते 243 है और चूंटणी समय न्यायालय दरमियानगिरी 243 हो. तो आ बधी बात है तमने कदाच लागशे बाबा कई रीतना याद राखशो बधी तमने याद रही जशे. हमणा स्टेप बाय स्टेप भणवा दियो खाली. चलो तो सौथी पहला तो आपणे 243 नी वात करी व्याख्या. चलो अधिकारी मित्रों व्याख्या तमने कई अनुच्छेद में आपवामां आवी छे. हवे आपणे स्टेप बाय स्टेप समजीए व्याख्या तमने कई अनुच्छेद में आपवामां आवी छे. विद्यार्थी मित्रों याद रखो व्याख्या तमने आपवामां आवी छे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत विस्तार एटले के ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत ने पंचायत विस्तार आ तमामे तमाम व्याख्या तमने 243 मां आपवामां आवी छे. बोलो क्लियर थई गयुं. उद्या में हमणा याद रही जशे बधी याद रही जशे 243. ओके चलो आगळ वात करीए. હવે 243 માં વ્યાખ્યા આપી. હવે 243 એ એમાં તમને ગ્રામ સભાની જોગવાઈ કીધી. 243 માં તમને શું કીધું ગ્રામ સભાની જોગવાઈ કીધી. બોલો ગ્રામ સભાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગ્રામ સભાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં છે. कई अनुच्छेद में 243 है शू कीधु ग्राम सभाए पंचायती राज ने गंगोत्री है। बोलो आव केरनार महानुभाव कोण हता? उच्छृंगराय देबल। ग्राम सभाए ग्राम पंचायत नी गंगोत्री है। बोलो आव केरनार कोण हता? ग्राम सभा ग्राम पंचायत नी गंगोत्री है। आव केरनार कोण हता? ग्राम सभा ग्राम पंचायत नी गंगोत्री है। आव केरनार कोण हता? उच्छृंगराय देबल। त्यारबाद ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वच्चेनो संबंध प्रधानमंडल और विधानमंत्री जेवो छे। आवी वात कोने करी? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। एटले के जेवो संबंध ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वच्चे छे एवो ज संबंध प्रधानमंडल एटले केबिनेट मंत्री और विधानसभा वच्चे छे। आवो केनार कोण हता? यस, सौराष्ट्रना फर्स्ट सीएम उच्छृंगराय देबल। जेवो संबंध ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा वच्चे जेवो संबंध प्रधानमंत्री ने विधानसभा वच्चे जाऊ केनार कोण हता? जयप्रकाश नारायण। पंचायती राज अधिनियम 1992 में अनुच्छेद नंबर 243 मुजब ग्राम सभा में एटले पंचायत क्षेत्रना मताधिकार यादी में नोंधायेला व्यक्ति बनती सभा ने ग्राम सभा कहेवाय। विद्यार्थी मित्रों, शू एटले के मानी लो अत्यारे आपणे आ आर्मी नामनुं एक गाम छे। आपणे तमे बाबानी आर्मी कहो छो तो आर्मी नामनुं एक गाम छे। आ आर्मी में तमे बधा व्यक्तिओ मतदार यादीमां नोंधायेला व्यक्तिओ छो। तमे बधा मतदार यादीमां नोंधायेला छो तो गामनी मतदार यादीमां नोंधायेला व्यक्तिनी मळती सभा एने आपणे ग्राम सभा कहीए। ग्रामनी मतदार यादीमां नोंधायेला व्यक्तिनी सभा मारा वाला एने आपणे ग्राम सभा कहीए। बोलो क्लियर थाय छे? ग्राम सभा कोने कहेवाय? तो गामनी मतदार यादी में नोंधायेला व्यक्तिओनी मळती सभा एने आपणे कहीए ग्राम सभा। ओके, हवे मानी लो के आरबी एटले के बीजा बाजुना गामनो कोई व्यक्ति आ ग्राम सभा में पार्टिसिपेट ना करी शके। ओके, चलो आगळ वात करीए। ग्राम सभानी सरखामणी राज्यनी विधानसभा साथे करवामां आवी छे कारण के ग्राम पंचायतनी मतदार यादी में नोंधायेला दरेक व्यक्ति ग्राम सभामां भाग लई शके छे अने निर्णयनी प्रक्रियामां भागीदारी बनी शके छे। सुकामे आ ग्राम सभा जरूरी छे वाला? कारण के विद्यार्थी मित्रों, तमे जो तो आपणे आपणुं जे आ पंचायती राजनुं माळखुं छे एनुं बेसिक अने पायानुं स्ट्रक्चर एटले के ग्राम पंचायती राज अने आपणा भारतनी मोटा भागनी वस्ती ग्राम गाममां वसे छे। एटले ज्यारे पंचायतोनी बेठक मळाय त्यारे ग्राम सभानी बेठको पण मळवी जरूरी छे। केटली बेठको मळवी जोईए, क्यां मळवी जोईए, आनी આગળની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ। पण ज्यारे ग्राम सभानी बेठको मळे ने तो आ ग्राम सभानी बेठक में एटले गामनी मतदार यादी में एटले गामना जे लोको छे, गामनी मतदार यादी एटले के गामना जे लोको छे ए पंचायत ग्राम पंचायत जे पण कामगीरी करशे एनुं मूल्यांकन करी शके छे अने सजेशन आपी शके छे। एटले ग्राम पंचायत मन फावे एम काम न करी शके। ग्राम पंचायतनी उपर ग्राम सभानुं वोच होय। ग्राम सभा गमे त्यारे ग्राम पंचायत माटे कोई पण काम मागी शके अथवा वहीवट करावी शके छे। क्लियर थाय छे? चलो आगळ वात करीए। तो विद्यार्थी मित्रों, वर्षमां ओछामां ओછી बे वार ग्राम सभा थवी जोईए। एटले के ग्राम सभा बे ग्राम सभा वच्चेनो समयगाळो 6 महीनाथी वधारे न होवो जोईए તેમજ બે ગ્રામ સભા વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 3 મહિના જેટલો સમય હોવો જોઈએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરીએ ભારતમાં, તો ભારતમાં વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વાર ગ્રામ સભા મળવી જોઈએ? તો કે 2 વાર। આપો કોમેન્ટમાં આન્સર। ભારતમાં ઓછામાં ઓછી ગ્રામ સભા કેટલી વાર મળવી જોઈએ? ભારતમાં ઓછામાં ઓછી ગ્રામ સભા કેટલી વાર મળવી જોઈએ? ભારતમાં ઓછામાં ઓછી ગ્રામ સભા કેટલી વાર મળવી જોઈએ? तो के 2 वार मळवी जोईए। हा के ना? एटले के 2 ग्राम सभा वच्चे वधुमां वधु समय केटलो होवो जोईए? वधुमां वधु समय केटलो होवो जोईए? जीतूभाई 4 वार हमणा भूली जाओ, अत्यारे भारतनी वात करीए 2 वार ज आवशे। वर्षमां 2 वार वधुमां वधु समय केटलो होवो जोईए? 6 महीना। अने 2 ग्राम सभा वच्चे ओछामां ओछो समय केटलो होवो जोईए? भारतनी वात करीए, गुजरात भूली जाओ, गुजरात भूली जाओ, भारतनी वात करो। વધુમાં સમય છે ઓછામાં વધુ 6 મહિના, ઓછામાં 3 મહિના। કારણ અહીંયા તમને કીધું કે 2 વાર ગ્રામ સભા મળવી જોઈએ, એનો મતલબ શું કે ભાઈ ગામના 5 લોકો આજે મહિલા, આજે ભજીયાનો પ્રોગ્રામ કર્યો, કાલે મહિલા, કાલે દાળ ભાતનો પ્રોગ્રામ કર્યો, ભજીયાન દાળ ભાત વાળા બધી વાળા ખાઈ લીધા, તો ભાઈ ग्राम सभा वच्चे ओछामां ओछो 3 महीनानो समय होवो जोईए, कारण के 3 महीनामां एनी जे कामगीरी छे एनुं मूल्यांकन करवानुं छे। कारण के 3 महीना दरमियान वच्चे गेप मळे तो पंचायत केवुं काम करे छे 3 महीनामां खबर पड़े। क्लियर थाय। पहली ग्राम सभा 1 एप्रिल थी 2 महीनामां योजावी फरजियात छे। भाई आपणे वात करी, अत्यारे गुजरातनो भूली जाओ, आपणे वात करीए छीए भारतनी वात करीए छीए, बराबर समजो। भारतमां ओछामां ओછી 2 ग्राम सभा वर्षमां મળવી જોઈએ। એનો કહેવાનો મતલબ કે 2 ગ્રામ સભા વચ્ચે વધુમાં વધુ સમય 6 મહિના, ઓછામાં ઓછો 3 મહિનાનો હોવો જોઈએ અને 1 એપ્રિલથી 2 મહિનામાં ભરાવી જોઈએ, બરાબર। મનરેગાનું સામાજિક ઓડિટનું કૃત્ય ગ્રામ સભા કરશે, એટલે કે ભાઈ મનરેગા નામની જે યોજના લાગુ છે આપણે એનું સામાજિક ઓડિટ તો ગ્રામ સભા કરશે। હવે વાત કરીએ ગુજરાત, તો ગુજરાત સરકારે 11 જુલાઈ 2011 ના પરિપત્ર મુજબ, ભાઈ ગુજરાત સરકારે શું કર્યું તો કે 11 જુલાઈ 2001 ના પરિપત્ર મુજબ राज्य में 4 वखत ग्राम सभा फरजियात थयुं छे। भाई गुजरात में केटली वखत फरजियात छे? भारत में 2 वखत, वधुमां वधु 6 महीना, ओछामां ओछा 3 महीना, 1 एप्रिल थी 2 महीना। पर गुजरात में केटली वार छे? गुजरात में ओछामां ओछी केटली वार? गुजरात में भाई 4 वखत। तारीख पर फिक्स है, एक 1 मे गुजरात गौरव दिन, एक 15 ऑगस्ट स्वतंत्रता दिवस, एक 2 ऑक्टोबर बापू जयंती और एक प्रजासत्ताक दिवस। बोलो गुजरात में 4 वखत भरवामां आवे, कई कई तारीखे? 14 ધોરણ 9 ચેપ્ટર નંબર 14-15। ભાઈ ગુજરાત માં ઓછામાં ઓછી ગ્રામ સભા 4 વાર ભરાઈ છે, કઈ કઈ તારીખે? આપો આન્સર। તમારી બધાની પર્સનલ કોમેન્ટો બંધ થાય તો મને કહેજો ભાઈ, અને તમે બધા તમારી પર્સનલ ચેટો કરો છો ના કરો છો, બરાબર। આખો દિવસ થાકીને હું તમારા માટે લેક્ચર લઉં છું, તમે બધા પર્સનલ ચેટો કરો છો, નહીં કરો આવું। પૂજામાં મેં લખ્યું એમ બધા તારીખ લખો, ગઈ 4 તારીખ। तारीख लखो बधा। एक मे 15 ऑगस्ट 2 ऑक्टोबर ने 26 जानुआरी। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। क्लियर थाय। चलो भाई आपणे टोटल पंचायती राज 243 थी लईने 243 जेटली अनुच्छेद याद हमणां ज रही जशे भाई, धीमे धीमे जोईए। चलो व्याख्याओ कई अनुच्छेदमां छे? आपो आंसर। व्याख्याओ कई अनुच्छेदमां छे? व्याख्याओनी बात कया अनुच्छेद में गई? व्याख्याओ कया अनुच्छेद में आई भाई? यस, 243 व्याख्याओ तमने आपी छे 243। चलो ग्राम सभा कया अनुच्छेद में छे? ग्राम सभा कया अनुच्छेद में छे? बे अनुच्छेद याद रही गया ना भाई, 243 में व्याख्या और 243 में ग्राम सभा। चलो ग्राम सभा कया अनुच्छेद में छे? चलो भाई भारत में ग्राम सभा कितनी बार भराई छे? भारत में ग्राम सभा कितनी बार भराई है? बे बार। वधु 6 महीना और ओछामां ओछा 3 महीना। गुजरात में कितनी बार भराई है? गुजरात में ग्राम सभा कितनी बार भराई है? कई कई तारीख है? गुजरात में 4 बार। कई कई तारीख है? यस विद्यार्थी मित्रों, तो आ तो आपणो आजनो लेक्चर अने आई होप तमने बधाने बे अनुच्छेद याद रही गई है तारीखों सहित। तो फरी एक बार विद्यार्थी मित्रों आशा राखू छूं तमने बधाने आनी समझ अने आइडिया आई गयो हशे। चलो बीजा कोई ने कई प्रश्न? ओके विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार तमे हजी पण प्लस ना लीधुं होय तो पीकेयू स्कोर नो उपयोग करीने प्लस लई लेजो। अने भाई आजनी सभा अहींया ज पूरी करीए छीए। जता जता मन के हारे हार, मन के जीते जीत। फरी एक बार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। काले काले आ छे सर, एक मिनिट पूछी लो पूजा मैम। अले पंचायती राज है भाई 10:30 वाले। पूजा में एटला माटे पाछळ होय छे कारण के आगळना चैप्टर इम्पोर्टंट होय तो एमांथी बधा क्वेश्चन बनावुं छुं। क्वेश्चन डे लाइन बाय लाइन वाँचीने बनावुं छुं એટલા માટે। છતાં પણ એવું હોય તો મને પર્સનલમાં મેસેજ કરી દો, હું તમને એનો આન્સર આપી દઈશ। ઓકે ચલો, તો ભાઈ આજનું આ અધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। ઓકે चलो, आ सिवाय आप सब अधिकारी मित्रों ने बीजा कोई प्रश्न है तो फटाफट पूछी लो। चलो जता जता तमाम अधिकारी मित्रों ने आवनारा समय में उच्चतम कक्षा ना अधिकारी बनो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। जता जता मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो। गुड नाइट, जय हिंद।